सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की गठन की कर ली हमने, और उसके बाद जो है विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में हमने बात कर ली। मैंने आपको बता दिया कि विधानसभा की सदस्य संख्या क्या होती है, ठीक है, और कैसे होती है इसका भी मैंने आपको बता दिया। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन भी मैंने आपको बता दिया कि कुल संख्या के कितने भाग सदस्यों का निर्वाचन होता है, कौन सी पद्धति से होता है। मनोनयन जो है वो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है वो मैंने आपको बता दिया, और उसमें चुने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका मैंने भी आवंटन बता दिया कि स्थानीय संस्थाओं से कितने व्यक्ति जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अध्यापकों के निर्वाचक मंडल भी मैंने आपको बता दिया कि अध्यापकों से कितने लोग जाएंगे विधान परिषद में, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि राज्यपाल महोदय के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब बात आती है कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या मापदंड है जिसके अनुसार विधान परिषद का कोई भी सदस्य चुना जाता है या मनोनीत किया है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह सब योग्यताएं इनके अंदर पाई जाती है जो विधानसभा के सदस्यों के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ अंतर एक चीज का है कि उनमें चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए अमुक व्यक्ति को उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष रखी गई। जिस प्रकार राज्यसभा में 30 वर्ष उम्र रखी गई है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी उम्र कितनी रखी गई है, 30 वर्ष, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधान परिषद की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अंतर केवल 30 वर्ष अंतर उम्र का है, उसमें 25 वर्ष है और इसके अंदर जो है 30 वर्ष रखी गई है, ये क्राइटेरिया का डिफरेंस है। इसके बाद निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का ये निर्वाचन किस तरह होता है मैंने आपको बता दिया, चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति की गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, ठीक है, निर्वाचन इस पद्धति से होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष है, विधान परिषद का है वो भी अप्रत्यक्ष है कि नहीं, राज्यसभा का है वो भी अप्रत्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट जनता अपने मत का प्रयोग उम्मीदवार को नहीं करती, चुने हुए प्रतिनिधि या कोई भी निर्वाचक मंडल उस अमुक व्यक्ति को अपना मत देकर क्या करता है, चुनाव में जिताता है, ठीक है, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा का हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की श्रेणी में आता नहीं, क्योंकि उनको सामान्य रूप से जनता क्या करती है, अपने मत का प्रयोग करती है वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित होते हैं। देखो आप, जो विधानसभा का निर्वाचक मंडल है, मैंने आपको कल बताया था विधानसभा का निर्वाचक मंडल क्या करता है, विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, कुछ सदस्यों के लिए चुनाव करते हैं, कैसे करते हैं, जिन्हें राजनीतिक अनुभव हो, कार्यदक्षता हो, ठीक है, नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता हो, लेकिन वो चुनाव जीतकर नहीं आए चुनाव जीतकर, तो उनको क्या करती है विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अब व्यक्तियों को चुनते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कार्यकाल की। कार्यकाल सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 वर्ष है, लोकसभा की समकक्ष है कि नहीं, क्योंकि प्रथम सदन है दोनों। अब राज्यसभा के समकक्ष ये द्वितीय सदन है, कौन, विधान परिषद, ठीक है कि नहीं, स्थायी सदन है कि नहीं, और वरिष्ठों का सदन है ना बेटा, ये चीज। तो इसमें आप कार्यकाल देखिए, विधानसभा इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, विधान परिषद एक साथ पूरे सदस्य कभी भी नहीं अड़ते, मैंने आपको बता रखा है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अपने पद से हटते जाते हैं, और उनकी जगह क्या होते हैं, उनकी जगह जितने सदस्य हटे उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता जाता है। राज्यसभा के समकक्ष है, राज्यसभा की जो प्रणाली है वो की वही प्रणाली है विधान परिषद के अंदर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, राज्यपाल द्वारा भी
भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, कितना, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल कितना है मैंने आपको बताया, इसका राज्यसभा का कार्यकाल उसी प्रकार विधान परिषद का कार्यकाल भी क्या है, 6 वर्ष। ये सब चीजों में अंतर है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष है और मैंने आपको बता दिया कि प्रति 2 वर्ष पश्चात कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग सदस्य अपने पद से हटते जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते जाते हैं प्रति 2 वर्ष पश्चात, ठीक है। और आगे देखिए आप विधान परिषद के पदाधिकारी, ठीक है। अब पदाधिकारी कौन कौन है, पदाधिकारी देखिए आप, तो हम बात कर रहे थे विधानसभा की पदाधिकारी, ठीक है। जैसे विधान परिषद के पदाधिकारी, सॉरी, विधानसभा में पदाधिकारी मैंने आपको बताया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है कि नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के मैंने कार्य और अधिकार और कर्तव्य सब बता दिए ना बेटा। उपाध्यक्ष भी बताया कि उपाध्यक्ष की क्या भूमिका है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो क्या कार्य करता है, ठीक है। उसी प्रकार विधान परिषद के अंदर भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अब पदाधिकारी कौन होते हैं, एक तो सभापति होता है, होता नहीं होता वो क्या, सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही, किन में से, अपने में से, अपने में से का मतलब विधान परिषद के सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए आप, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का क्या करते हैं बच्चों, चुनाव करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक सभापति है ना और एक उपसभापति का चुनाव होते हैं, होता है नहीं होता, सॉरी, उसमें सभापति का चुनाव नहीं होता, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है उसका, राज्यसभा का होता है नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ भी सभापति एक उपसभापति होता है जिनका चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। और उन सदस्यों को यह भी अधिकार है कि 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको पद से हटा भी सकते हैं, पदच्युत भी कर सकते हैं। कौन, विधान परिषद के सदस्य, किनको हटाने के लिए, सभापति और उपसभापति। अब बात आती है विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्य, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे विधान परिषद के अधिकार क्या है, उनकी शक्तियां क्या है विधान परिषद की और विधान परिषद के कार्य की, ठीक है। जिस प्रकार हमने विधानसभा की कार्य अधिकार और शक्तियां पढ़ी, उसी प्रकार हम अभी इस क्लास के अंदर विधान परिषद के कार्य अधिकार और शक्तियां पढ़ें। तो सबसे पहले बात आती है कि विधान परिषद कानून निर्माण के संबंधी कार्य करती है। देखिए आप, विधान परिषद क्या करती है, विधानसभा के साथ मिलकर क्या करती है, कानून निर्माण के क्षेत्र में कार्य करती है। अब बात आती है कानून निर्माण कैसे करती है, जैसे कोई भी कानून निर्माण करना हो, कोई भी प्रस्ताव हो, वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, कहाँ के, कहाँ पर, विधानसभा में। अगर वो प्रस्ताव विधान परिषद में आता है, ठीक है, विधान परिषद कुछ समय उसको क्या कर सकती है, रोक लेती है, लेकिन संशोधन के उपरांत या कुछ सुझाव के उपरांत वापस उसको भेजती है 2/3 बहुमत से, वो भी पारित करके उसी प्रस्ताव से सहमत होकर, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रस्ताव विधेयक का रूप ले लेता है, अर्थात वो क्या कहलाता है, फिर कानून निर्माण हो जाता है, जनता की हितार्थ क्या हो जाता है, कानून निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंतर क्या है दोनों में, विधानसभा और विधान परिषद में, कानून निर्माण में। देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण अंतर है कि धन विधेयक से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, ठीक है, वो सर्वप्रथम कहां पर पारित और अनुमोदित होता है, कहां होता है, विधानसभा के अंदर, कहां होता है, विधानसभा के अंदर। तो ये धन विधेयक से संबंधित जो अधिकार है वो इसके पास नहीं है, किसके पास, विधान परिषद के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, विधानसभा के पास है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कहा गया है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक की सर्वप्रथम जो प्रस्ताव पास पारित होता है वो सर्वप्रथम कहां होता है, विधानसभा। अन्य सभी भी, अर्थात इसको कह सकते हैं हम, किसी प्रकार के अवित्तीय विधेयक जिनमें वित्त विधेयक का कहीं उल्लेख नहीं हो, अवित्तीय विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित और अनुमोदित हो सकते हैं सर्वप्रथम। मान लो
कोई भी राजस्थान में मान लो यहाँ अगर विधानसभा का निर्माण हो गया तो कुछ भी राजस्थान के विधानमंडल में यहाँ की जनता के लिए किसी भी संविधान में संशोधन करना हो, ठीक है, तो वह इस प्रकार का जो अवित्तीय विधेयक है वो किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है, विधानसभा में भी लाया जा सकता है और विधान परिषद में लाया जा सकता है। तो क्या क्या कहा है देखो आप, लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, 197 में आर्टिकल 197 में किस बात का उल्लेख है कि विधानसभा के द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित होने के बाद अनुमोदित होने के बाद विधान परिषद उसको क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है ना, अस्वीकृत कर दिया जाता है या विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होता तो परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की स्थिति से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो विधेयक विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधानसभा को भेज देती है। तो इसमें क्या कहा गया है देखो आर्टिकल 197 में मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 197 में इस बात का उल्लेख है कि विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पारित हो गया जनता के हितार्थ, ठीक है, अब पारित होने के बाद विधान परिषद के पास गया, अब विधान परिषद उसको क्या करती है देखो आप उसको अस्वीकृत कर देती है, पारित नहीं करती, अनसर्टिफाई है वो लोग विधान परिषद वाले द्वितीय सदन वाले अस्वीकृत कर देती, फिर क्या करती है परिषद ऐसे भी संशोधन करती है जो विधान अगर उसमें कोई संशोधन करती है पहली बात तो अस्वीकार कर देती है अस्वीकृत कर देती है विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव को, है ना, या फिर उसको अस्वीकार करती है और या फिर उसके अंदर क्या करती है कुछ संशोधन करती है कौन विधान परिषद, तो क्या करती है फिर उसके बाद जो संशोधन जो किया विधान परिषद ने वो किसको स्वीकार नहीं है, किसको कौन स्वीकार नहीं कर रहा, प्रथम सदन विधानसभा उस जो संशोधन को विधानसभा उसको क्या नहीं करती, उसको क्या स्वीकार नहीं करती, ठीक है, तो परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके 3 माह तक रोक ले, कौन रोक ले 3 माह तक विधान परिषद, तो वापिस कहां जाए दोबारा से उसी प्रस्ताव को, ठीक है, उसी विधेयक को दोबारा से पारित और अनुमोदित कर दे विधानसभा तो फिर वो मान्य माना जाता है। विधान परिषद कुछ नहीं कर सकती, रोक सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर वो किनको रास नहीं आया, किनको स्वीकार्य नहीं है, विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के अर्थात प्रथम सदन को स्वीकार्य नहीं है तो प्रस्ताव मान्य रहता है, किनके द्वारा बनाया गया, विधानसभा के द्वारा, क्योंकि क्यों मान्य रहता है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्यों मान्य रहता है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं और ये है ना, हाँ, तो देखिए बच्चों अस्वीकार कर दिया किसने, विधानसभा ने, विधानसभा क्या, विधानसभा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्रस्ताव विधान परिषद उसको अस्वीकार कर देती है या संशोधन करती है तो संशोधन करने के बाद विधानसभा वापस उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, संशोधन किसने किया, विधान परिषद ने, उस संशोधन को स्वीकार नहीं करती, कौन स्वीकार नहीं करती, विधानसभा, ठीक है, तो विधानसभा के द्वारा दोबारा से उस पर क्या किया जाता है वही पारित और अनुमोदित करके उस प्रस्ताव को फिर कहां भेजा जाता है, विधान परिषद, फिर विधान परिषद क्या करे 1 माह तक उस प्रस्ताव को रोक ले, 1 माह तक क्या करे, पहले तो 3 माह रोका फिर 1 माह तक रोक ले और 1 माह रोक कर उसमें कोई क्या करे संशोधन करे फिर संशोधन करके कहां भेज दे विधानसभा में, लेकिन विधानसभा के सदस्यों को फिर भी वो स्वीकार्य नहीं है तो विधान परिषद क्या करती है दोबारा से पारित और अनुमोदित करने के उपरांत वो प्रस्ताव पारित समझा जाता है चाहे उसमें विधान परिषद एक्सेप्ट किया हो तब भी वो मान्य नहीं है। तो इसमें आप देखो इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को पहले तो कितना रोका 3 माह उसके बाद 1 माह रोका, टोटल कितने मार रोक सकती है 4 मार रोक सकती है विधान परिषद किसी भी प्रस्ताव धन विधेयक को छोड़कर जो अवित्तीय विधेयक हैं अर्थात जिनको हम कह सकते हैं साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं साधारण विधेयक, सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं साधारण विधेयक, साधारण विधेयकों को अवित्तीय विधेयक भी कह सकते हैं क्योंकि वित्त विधेयक नहीं हो, ठीक है,
तो साधारण विधेयकों को कितना रोक सकती है? पहले तो 3 बार रोकती है विधान परिषद, समझ रहे हो मेरी बात को? संशोधन भी करती है, सारा काम करती है, लेकिन वो संशोधन किनको नहीं भाता, किनको स्वीकार नहीं? विधानसभा के साथ, विधानसभा को। तो उसके बाद फिर विधानसभा पारित और अनुमोदित करके कहां भेजती है? विधान परिषद में। फिर दोबारा से कितने बार रोकती है? 1 माह। कौन? विधान परिषद। लेकिन फिर भी वो अगर संशोधन करके वापस विधानसभा के पास भेजती है, कौन? विधान परिषद। विधानसभा को फिर भी उनका संशोधन क्या नहीं भाया, स्वीकार्य नहीं है, रास नहीं आता, तो फिर उसी के द्वारा बनाया गया प्रस्ताव, किसके द्वारा बनाया गया प्रस्ताव? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, वो पारित समझा जाता है और वो कानून का रूप ले लेता है, आधार विधेयक कहलाता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधान परिषद में कानून निर्माण संबंधी क्या कार्य है, वे मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 197 मैंने आपको समझा दिया। अब देखो कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य देखिए आप, विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान देखो आप, कार्यपालिका में विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें आप देखो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं, कौन? विधान परिषद के सदस्य। जिस प्रकार विधानसभा के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रहते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है? क्या करती है? जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ना, उनसे वाद विवाद करती है। कोई भी प्रस्ताव बना रहे हैं जनता के हितार्थ, अगर उनको कहीं कहीं उनमें खामी लगती है, तो सरकार के जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल के, उनसे वाद विवाद करते हैं, कौन? विधान परिषद के सदस्य। और क्या करते हैं? प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछते हैं सदन के दौरान। सदन में जो कार्यवाही की जाती है अध्यक्ष महोदय के नियंत्रण में, उनमें वाद विवाद प्रश्न, पूरक प्रश्न आदि पूछने का एकाधिकार भी इनके पास है। किनके पास है? विधान परिषद के सदस्यों के पास है ना। अर्थात मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य भी ये करती है, ठीक है? किंतु उन्हें मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एकाधिकार किन किन का है? कार्यपालिका पर नियंत्रण का है कि नहीं? किस प्रकार है? मंत्री परिषद से वाद विवाद कर सकती है, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है, ध्यान आकर्षण कर सकती है, ठीक है? कौन? विधान परिषद के सदस्य, अर्थात विधान परिषद। लेकिन अंतर क्या है? एक डिफरेंस है कि जो मंत्री परिषद है, अब मंत्री परिषद मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार की है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, तीनों का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। तो तीनों प्रकार के मंत्रियों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो इनके पास नहीं है। इनके पास नहीं है? विधान परिषद के सदस्यों के पास। याद रखिएगा अंतर, डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखो आप, वित्त संबंधी कार्य क्या है? वित्त संबंधी कार्य में देखो आप, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि धन विधेयक की जो विवेचना है, जो व्याख्या है, लोकसभा के अंतर्गत मैंने बताया आर्टिकल 109 में धन विधेयक की व्याख्या है कि नहीं? तो धन विधेयक जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में हम बात करें, उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम, विधान परिषद। तो धन विधेयक की इसके अंदर कहीं भी विवेचना नहीं होती। धन विधेयक की व्याख्या कहां पर होती है, या धन विधेयक का जो प्रस्ताव पारित और अनुमोदित कहां पर होता है? सबसे पहले विधानसभा के अंदर। तो धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद क्या है? गौण है, बिल्कुल नगण्य है, ठीक है? देखो आप, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए कहां भेजती है? धन विधेयक को पारित करके कौन? विधानसभा। कहां भेजती है उसको? द्वितीय सदन में, अर्थात विधान परिषद में। भेजती नहीं भेजती? तो विधान परिषद धन विधेयक को केवल सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रोक सकती है? विधान परिषद 14 दिन। याद रखिएगा, धन विधेयक से संबंधित जो प्रस्ताव है, जो विधेयक है, उसको कितने दिन रोक सकती है? केवल 14 दिन रोक सकती है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, चुपचाप मूक दर्शक रहती है। साधारण विधेयकों को तो पहले 3 बार रोकती, फिर 1 बार रोकती, फिर भी इनकी नहीं चलती, फिर भी विधानसभा के द्वारा बनाया गया प्रस्ताव या विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इनकी इनका जो टिप्पणी है, इनने जो संशोधन किया वो भी अगर उनको नहीं भाया, तब भी वो पारित मान लिया जाता है। अधिकतम 4 बार रोक सकती है, कौन?
विधान परिषद साधारण विधेयक को अर्थात अवित्तीय विधेयक को, लेकिन धन विधेयक की व्याख्या विधानमंडल के संदर्भ में सर्वप्रथम विवेचना कहां पर की जाती है? आर्टिकल 109 में विधानसभा के अंदर। तो विधानसभा के द्वारा पारित और अनुमोदित करने के उपरांत उस प्रस्ताव को द्वितीय सदन में भेजा जाता है विधान परिषद में, तो विधान परिषद उसको केवल 14 दिन रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये मैंने आपको बता दिया, इस चीज को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विधान परिषद के अधिकार, कार्य और शक्तियां हमने पढ़ी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ और इतना ही। इसके बाद हम विधानमंडल के प्रथम सदन अर्थात विधानसभा के अधिकार, कार्य क्षेत्र और शक्तियां हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।